गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी विनीता स्वामी को तिरुपति प्रसाद की घटना को लेकर विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। परिणाम स्वरूप सर्व समाज में दुख व भारी रोष व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी भावना प्रेषित करते हुए विप्र फाउंडेशन मांग करता है कि हमारे सभी अधिग्रहित मंदिरों की संपूर्ण व्यवस्थाएं आस्थावान सनातन धर्मावलंबियों द्वारा ही संचालित हो। इस दिशा में ठोस एवं स्थायी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार सनातन संरक्षण बोर्ड का गठन कर ऐसे घोर अधर्म और विनाशकारी कुकृत्यों से भारतीय संस्कृति अध्यात्म एवं सनातनी भावनाओं का संरक्षण करने हेतु कठोर व तत्काल कदम उठाए। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हुआ है ये भारत के जो भोले भाले हिंदू हैं उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। वास्तव में तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बालाजी मंदिर में प्रसाद के नाम पर पशुओं की चर्बी और मच्छी का जो तेल दिया गया है लड्डू के फॉर्म में, उसका हम विरोध करते हैं और पूरा देश इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं सरकार द्वारा अभिग्रहित किए गए हैं उनको सनातनी धर्म के जो लोग हैं उनके सुपुर्द किया जाए ताकि व्यवस्थाएं बढ़े रहें। आज हमने जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो ये चर्बी का जो मिलावट का खेल चलाया प्रसाद में, इससे कहीं ना कहीं हिंदू आस्था पर चोट पहुँची है। और ये जो जितने भी धर्म हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं ये हमारी आस्था के केंद्र हैं और कहीं ना कहीं पूरे सनातन धर्म को ये चोट पहुंची है। और हम विप्र फाउंडेशन की तरफ से आज हमने SDM मैडम को ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारी बात हिंदू समाज की बात सनातन धर्म की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और इन जितने भी हमारे मंदिर हैं इनको सरकारी संरक्षण से बाहर किया जाए और एक पुजारी या किसी ट्रस्ट के माध्यम से इनको दिया जाए जिससे इनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। और विप्र फाउंडेशन ये मांग करता है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पर ध्यान दिया जाए कि कहीं कोई ऐसा मिलावट का खेल ना चले ताकि हमारे सनातन धर्म को कोई चोट ना पहुंचे।